निकिता स्टार एपिक्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग स्टार के बारे में कुछ नया लाए हैं, कुछ अलग लाए हैं। दैट इज कि हम लोग आज ही से हमारा ब्रांड न्यू शो लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द डे। मतलब हिस्ट्री ऑफ द डे में मैं आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री में आज के दिन क्या हुआ। वैसे हम लोग ये शो आज से मतलब अभी से लॉन्च कर रहे हैं। वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हिस्ट्री किस किस को पसंद है तो सब लोग बोलेंगे कि ना जी, हमको तो हिस्ट्री ना पसंद है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको हिस्ट्री के बारे में मतलब आज क्या हुआ है हिस्ट्री में ये बताने वाली हूँ, तो आई होप सबको एक्साइटमेंट होगी ही, सबको पता होगा ही कि हम लोग की हिस्ट्री क्या है। हम लोग मतलब आज जो डे है वो हिस्ट्री में कौन से डे के नाम से है। वैसे अगर मैं हमारी पहली हिस्ट्री की बात कहूँ तो सब लोगों को पता है कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ है, मतलब हमको फ्रीडम कब मिली है। आई नो हमारे जो भारत में है वो अलग अलग कल्चर के, अलग अलग वेरिएशन के लोग, सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं, अलग अलग रंग हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? आई नो सब लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को। हाँ जी, मतलब भारत को आज़ादी मिलने से एक दिन पहले। पाकिस्तान बहुत सारे मेजॉरिटी मुसलमान भाइयों के साथ एक नया अलग पाकिस्तान बनाया गया। कभी किसी ने इनको जानवर कहा तो कभी किसी ने इनको जंगली कहा, लेकिन जब भी इनका अंदाज देखा सब लोगों ने एक ही चीज कही, दैट इज शम्मी कपूर आपके जैसा कोई नहीं है। इनकी बेजोड़ एक्टिंग के बदौलत इन्होंने कई सालों तक लोगों के दिलों पे राज किया, आज भी करते आ रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा दिन भी आया, दैट इज 14 अगस्त 2011, जब हम लोगों के बीच में से ये तारा कहीं खो सा गया। हम लोगों ने इसको खो दिया, फिल्म इंडस्ट्री ने इनको खो दिया, क्योंकि इनकी डेथ हो गई। हाँ जी, लेकिन आज भी हम लोग उनको उतने ही मिस करते हैं, उनके फैंस भी उन लोगों को उतने ही मिस करते हैं। तो टिल देन आज तो हमारा हिस्ट्री ऑफ द डे में मैंने बता दिया कि आखिर हिस्ट्री में क्या हुआ। लेकिन कल भी आपको अगर जानना है कि हिस्ट्री में क्या हुआ, तो देखते रहिए स्टार एपिक्स न्यूज़ स्टार का वार।